एएमयू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनसीसी के छात्र नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। इस संदर्भ में यह वीडियो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ने वाले एनसीसी के छात्रों से संबंधित है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संज्ञानित कर दिया गया है। और लड़के कुछ प्रोग्राम करके वापस जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लड़कों ने गेट से पहले ही, जहाँ एग्जिट गेट है उससे पहले ही कुछ नारे लगाए हैं, और जिस पे आपत्ति हमारे पास आई है और उस आपत्ति का फौरन संज्ञान लिया गया है और उस पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उस लड़के की पहचान कराई जा रही है कि किन किन लड़कों ने ये नारे लगाए हैं, और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आती है उससे वो फौरन ही उन लड़कों के खिलाफ जो आवश्यक कार्रवाई कानून के हिसाब से बनती हो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करेगी। पुलिस का भी कोई आपसे बातचीत हुई है पुलिस की पूरे मामले? हाँ, पुलिस का हमारे पास फोन आया है और उन्होंने हमें इस चीज़ों की पूरा वीडियो भी भेजा और जानकारी भी दी है, और हमने उसका नोट लेते हुए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस पे की जांच कराई जाएगी, और जांच कराने के बाद में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ वो यूनिवर्सिटी के रूल्स से रेगुलेशन के हिसाब से कार्रवाई होगी। अभी एक वीडियो प्राप्त हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जिस कार्यक्रम में वाइस चांसलर स्वयं उपस्थित थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 74वें गणतंत्र दिवस का जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में छात्रों के समूह द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। यह एक जंग का नारा है, एक धार्मिक नारा है और कहीं ना कहीं एक रेडिकल सोच को प्रदर्शित करता है। और गणतंत्र दिवस जैसे पावन अवसर पर इस प्रकार के नारे लगवाना, क्योंकि उन छात्रों के पीछे कोई ना कोई एक सोच काम कर रही है, इस प्रकार के नारे लगवाना क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जहां पूरा भारत एकजुट होकर भारत के गणतंत्र को नमन कर रहा है, भारत के संविधान को नमन कर रहा है, वहां यह जो अलगाववादी तबके हैं, जो रेडिकल तबके हैं, इस प्रकार के संदेश देकर भारत में विघ्न पैदा करना चाहते हैं।